Hi guys, this is Dhananjay here from Moksh. I'm the CEO of Moksh and you must have seen a lot of videos as usual. I say this in the beginning. बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है मोक्ष के चैनल को सब्सक्राइब करना. आप भी कर सकते हो. कमेंट डालो, आपको तुरंत फ़ोन आ जाएगा. कमेंट में अपना नंबर डालो या तो फिर नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर है वहाँ पे कॉल करके आप बाकी का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेसिक इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑन जॉर्जियन अमेरिकन प्रोग्राम. नया सुनाई दे रहा है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ. मैं एक होता है MBBS प्रोग्राम जो सारे इंडिया के एजेंट्स जो होते हैं वो बेचते हैं, और उसका मेरा एक अलग वीडियो है. बहुत ही बुरी हालत है जॉर्जिया में. एक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल हैव टू डू दैट वेरी केयरफुली. आई हैव टोल्ड यू इन दैट वीडियो. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट. मैं जब मैंने एक चैलेंज लिया है, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बोला था जॉर्जिया जाते समय बहुत सोच समझ के लेना. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वही बात को. मैं बार बार जॉर्जिया गया. अभी मैं जस्ट परसों जॉर्जिया से वापस आया हूँ और मैंने देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बहुत यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं. जो एकाध दो कॉलेजेस दिखी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, उनको भी मैंने बोला कि सर एक स्टैंडर्ड MBBS प्रोग्राम कर रहे हो, उससे अच्छा एक अमेरिकन प्रोग्राम लॉन्च करो. स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दी जॉर्जिया के अंदर अमेरिकन प्रोग्राम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं. और स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो MBBS के लिए सारे छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं, उसमें और अमेरिकन प्रोग्राम में क्या फर्क है और आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है. कोई भी एजेंट यहाँ पे बोल दे हाँ मैं भी अमेरिकन प्रोग्राम इस कॉलेज में दे रहा हूँ, मत मानना. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर सिस्टम, कमिटमेंट, सब कुछ राइटिंग में देना है. सिर्फ ये दो यूनिवर्सिटीज आपको प्रॉपर राइटिंग में देती है, लेटर के अंदर लिख के देती है यस दिस इज अ अमेरिकन प्रोग्राम एंड दैट इज TSMU एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया. ओके, सो फर्क क्या है दोनों में. इसका भी ड्यूरेशन 6 साल है, अमेरिकन प्रोग्राम का भी ड्यूरेशन 6 साल है. वहां का जो सिस्टम है वो पहले 2.5 years प्योर क्लासरूम में चलता है, फिर 2.5 years आपका प्रैक्टिकल्स, हॉस्पिटल और क्लासरूम तीनों मिक्स हो जाता है. सो पहला जो 2.5 year है वो बेसिक मेडिकल साइंस और प्रीमेड को मिक्स करके वो लोग आपको मेजरली क्लासरूम और प्लस एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स एंड फिजियोलॉजी, ये इतना होता है पहले 2.5 साल में. ये 2.5 साल अमेरिकन का भी वैसा ही होता है, पर यहां पे फर्क क्या है, ये 2.5 साल के अंदर जो नेक्स्ट 2.5 साल है जो हॉस्पिटल के अंदर मेजॉरिटी टाइम निकालते हो, क्लासरूम प्लस प्रैक्टिकल प्लस हॉस्पिटेशन ऐड हो जाता है. यहां पे भी वही होने वाला है, पर उसके साथ में ये जो पीरियड है उसमें स्टेप 1 की प्रिपरेशन और इस पीरियड में USMLE स्टेप 1 की एग्जाम भी देनी पड़ती है. ये फर्क है अमेरिकन प्रोग्राम में, ताकि ये प्रोग्राम MBBS इन जॉर्जिया प्लस PG इन USA का प्रोग्राम है. ये जो प्रोग्राम है सिर्फ MBBS इन जॉर्जिया का प्रोग्राम है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये जो प्रोग्राम में इंडक्ट होता है वो अपना स्पेशलिस्ट बनने का, US के अंदर काम करने का, US के अंदर PG का डिग्री लेने का और वहीं पे सेटल होने वाला प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम इंडिया वापस आके नेक्स्ट देने वाला प्रोग्राम. So you will have to understand what is your vision. क्या आपको एक नॉर्मल डॉक्टर बनना है या आपको करियर को प्लान करना है राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन. अगर आप राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आपको कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, पीडियाट्रिक बनना है, ऐसा कुछ बनना है तो इस प्रोग्राम में चलेगा. अगर आपको इंडिया वापस आना है और MBBS करके नेक्स्ट की एग्जाम देनी है और यहाँ का लाइसेंस फिजिशियन बनना है तो इस प्रोग्राम में चलेगा. आई होप सिंपल चीज फर्क है दोनों में.
लास्ट एक साल एज पर एनएमसी आपको वहां का इंटर्नशिप करना है, तो ये इंटर्नशिप यहां पे भी है, ये इंटर्नशिप यहां पे भी है, प्रोवाइडेड वो कॉलेज को हॉस्पिटल अफिलिएशन है। करीब करीब 18-19 कॉलेजेस हैं जो एक्टिव हैं वहां पे, वहां से उस वो 18-19 कॉलेजेस में से करीब करीब 8-9 कॉलेज ऐसे हैं जिनका एफिलिएशन है ही नहीं। आपको पूरा लिस्ट दिया जाएगा और वो लिस्ट को बहुत शांति से पढ़ के अपनी कॉलेज चूज करना। सो प्रोग्राम चूज करना है, कंट्री चूज करना है और बाद में फाइनली यूनिवर्सिटी चूज करना है। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे, जैसे ही लास्ट इंटर्नशिप आती है तभी आपको USMLE 2 सीके देना है, ठीक है। ये जैसे ही देते हो आप रेसिडेंसी फॉर USA मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन USA के प्रोग्राम में चले जाते हैं। इस प्रोग्राम की कॉस्ट $6,000 है, अमेरिकन प्रोग्राम की कॉस्ट 9,000 है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में। अगर आप यही प्रोग्राम TSMU में करते हो तो इसकी प्रोग्राम की कॉस्ट 8,000 है और ये प्रोग्राम की कॉस्ट 13,500 है, ठीक है। इसका अमेरिकन प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया इज गोइंग टू कॉस्ट यू $9,000। हाउएवर वी टोल्ड द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग माय दिस लास्ट विजिट, व्हाई डोंट यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर फ्यू स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। सो दे अग्रीड फॉर स्कॉलरशिप एंड नाउ इट इज अवेलेबल फॉर 6,000। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, स्कॉलरशिप मोक्ष का करियर प्लानर ऐप डाउनलोड करो, वहां पे स्कॉलरशिप की ऐप अवेलेबल है, स्कॉलरशिप टेस्ट दो, उसी के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड यू कैन गो इनटू अमेरिकन प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया विद इन द सेम कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम दैट इज $6,000। डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। अगर नीट बराबर नहीं गया, 600 का एक्सपेक्टेशन नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू गाइज़।